अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम जो है वो ये मैच तो कालक मल्ली है, बांग्लादेश से मैच हार गए हैं, 10 विकेटों से हार गए हैं। लेकिन ज़रा मैं आपको बताऊं कि खिलाड़ी क्या करते हुए पाए गए थे मैच से पहले, क्यों वो तैयार नहीं थे, क्या ऐसी वजूहत थी कि उनसे बॉलिंग नहीं हो पाई, उनसे बैटिंग नहीं हो पाई। आप लोग बोलते हैं ना कि हवा में बातें करता है, कुछ तहकीक मैंने भी की है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि खिलाड़ी जो हैं ये मैच शुरू होने से पहले और सीरीज़ शुरू होने से पहले, तकरीबन 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, ये लोग क्या करते हुए पाए गए थे, क्या ये लोग सीरियस थे कि ये मैच जो है एक सीरीज़ आ रही है, टेस्ट सीरीज़ आ रही है। दुनिया भर के अंदर जो है वो टेस्ट सीरीज़ से पहले खिलाड़ियों को जमा किया जाता है, 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू की जाती हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी 2 महीने 1 महीने पहले क्या करते हुए पाए गए थे, ये आपको आज की खबर के अंदर, इस वीडियो के अंदर बताऊँगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हैरान होने वाली चीज़ें होंगी, क्योंकि जो लानत मैं देता हूं इस टीम के ऊपर उससे बड़ी लानत आप लोग ये सुनने के बाद देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मैंने लिख लिया है, कोई चीज़ भूल ना जाऊं, हर चीज़ याद रखना मुमकिन नहीं होता। और आज सलमान बर्ड जिन्होंने, जो साबिक कप्तान हैं, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा, क्रिकेट का एक बेहतरीन माइंड इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी मौजूद हैं, बेशक उसने माजी के अंदर जो कुछ भी किया हो, क्रिकेट का एक बेहतरीन माइंड है और जो लोग क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हैं, जो लोग टीम के स्टाफ के साथ मौजूद हैं, उससे ज़्यादा काले दिल के, काले जहन के लोग हैं, उससे ज़्यादा करप्ट लोग हैं, उससे ज़्यादा साजिशी लोग हैं जितना सलमान भट है। सलमान भट को सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता टीम के अंदर या फिर पीसीबी के अंदर कि वो जो है वो पकड़ा गया था, लेकिन ये जो लोग मौजूद हैं ये पकड़े ही नहीं गए, इतने ज़्यादा ये लोग जो हैं चालाक थे, जिसकी वजह से ये लोग पकड़े ही नहीं गए और अब भी ये लोग खून चूस रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट का। सलमान भट ने क्या कहा है कि बहुत सारे कप्तान जब मौजूद होते हैं टीम के अंदर और कप्तानी की जब जंग चल रही होती है तो उस वक्त क्या होता है, एक बहुत बड़ा बेहतरीन बयान दिया है। लेकिन उससे पहले, उसकी सलमान भट की बात करने से पहले, मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तानी टीम जो है वो क्या करती हुई पाई गई थी, और ये बात थोड़ी कड़वी साबित होगी आप लोगों के लिए, बहुत से लोगों को शायद बुरी लगे, लेकिन एडवांस में मैं माजरा चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, कोई बाबर आजम का फ़ैन है, मुझे समझ में नहीं आता वो क्यों है फ़ैन, रिजवान के फ़ैन हैं, गालियों की हद तक आ जाते हैं, और शाहीन शाफरीदी के फ़ैन हैं, लेकिन ज़रा नसीम शाह के भी बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। ज़रा ये सुनिए और मैंने जो लिखा है, ज़रा ये तहरीर मैं आपको सुनाता हूँ। दुनिया की जितनी भी टीम्स होती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्रिकेट खेलती हैं, टेस्ट क्रिकेट खास तौर पर जो खेलती हैं, वो टेस्ट सीरीज़ आने से 1 महीना पहले और शायद इससे भी ज़्यादा वक्त पहले अपनी तैयारियाँ शुरू कर देती हैं, ताकि खिलाड़ियों की फ़िटनेस लेवल और स्टेमिना टेस्ट क्रिकेट के मुताबिक हो सके और लोग जो हैं वो अपने घर के अंदर सीरीज़ जो हैं वो वाइट वॉश करते हुए नज़र आते हैं, जो तैयारी के साथ खेलते हैं। यहाँ उल्टा ही मामला है, इसकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों ने पिछले IPL को अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि वो एशेज सीरीज़ की तैयारी कर रहे थे। IPL में करोड़ों रुपये यहाँ पर थोपड़े बने हुए थे, बाबर आजम के, रिजवान के, शाहीन शाफरीदी के, कि उनको कैनेडियन लीग के अंदर खेलने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए हमारी जेब के अंदर आ जाते, 20-20 करोड़ रुपए छोड़कर वो लोग एशेज के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ये होता है विजन, ये होता है विजन से आपको कुछ और याद आया होगा कि ये भी शायद वज़ीर आज़म का विजन होगा कि टीम की कारकर्दगी ऐसी हो। ये अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, पैसे से इतना हर चीज़ पैसा नहीं होती, मुल्क के लिए खेलना एक बड़े एहसास की बात होती है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ये बात शायद पता नहीं है, या इनको पता है तो इनका दिमाग इस तरफ नहीं है, पैसे के पुजारी हैं। इस बात बात मैं आपको करूंगा पाकिस्तान की, जो तकरीबन 8 माह से टेस्ट मैच नहीं खेल रहा, T20 और कभी कभार वनडे खेल लेता है, ज़्यादा जोर जो है वो T20 के ऊपर होता है। पाकिस्तान ने भी कुछ दिन पहले लाहौर और रावलपिंडी में टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए कैंप लगाया था, लेकिन उस कैंप के अंदर तैयारी क्या हो रही है रावलपिंडी और लाहौर के अंदर, कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसकी तैयारी होगी, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, फिर लोग बोलते हैं ये गालियां देता है, ये बुरा भला बोलता है, हार्श वर्ड इस्तेमाल करता है और ये लैंग्वेज जो है अपनी ऐसी यूज़ नहीं करता। इन कुत्तों की हरकतें देखें और PCB जैसे मनहूस लोगों की हरकतें देखें। कैंप लगाया है, उसके अंदर ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं उस कैंप में, पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो ना होने के बराबर थे। सीनियर खिलाड़ी क्या करते हुए पाए गए थे आगे चल के मैं बताऊँगा। बहुत से खिलाड़ी ऐसे थे जो इस कैंप के अंदर शामिल थे और वो 15-16 रुकनी स्क्वाड के अंदर शामिल ही नहीं थे। कैंप किस लिए लगाया था, किसको दिखाने के लिए लगाया था? इन कुत्तों को अगर इनकी औकात याद दिलाई जाए तो फिर ये आप लोग जो है वो बुरा मानते हैं कि आप गाली नहीं दो किसी इंसान को, कुत्ता नहीं बोलो, कुत्ता बोलना गलत वैसे भी बात है। शाहीन आफरीदी का सुन लीजिए, जो हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं,
छः ओवर के बाद उनके जो है उनके सारा निज़ाम जो है उनका डूब जाता है और वो जो है वो टेस्ट मैच खेलने के लिए और ख़ास तौर पर उसकी कप्तानी के लिए एक बड़े उम्मीदवार हैं कि मुझे टेस्ट का कप्तान बनाओ। दो टके की औकात नहीं है, 20 ओवर्स इनके अब्बा भी नहीं कर सकते थे, सुसर भी नहीं कर सकते थे, ये क्या करेंगे। 20 ओवर्स करना एक बहुत बड़ी बात है। शाहीन शाह आफरीदी से 6 ओवर के बाद बॉलिंग नहीं होती है। शाहीन आफरीदी टेस्ट मैच में 10 दिन पहले तक इंग्लैंड के अंदर छुट्टियां मना रहे थे, जिसका सबूत उनकी मैनचेस्टर यूनाइटेड के मेहमान बनना है, जहां में वो तस्वीरें वगैरह कर रहे थे। 10 दिन रह गए हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, मैनचेस्टर सिटी का जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो ग्राउंड है उसका मुआयना करते हुए पाए जा रहे हैं, और ऑलराउंडर बनने की कोशिश की उसमें नाकाम हुए, फास्ट बॉलर बनने की कोशिश की फास्ट बॉलर तो वो बन ही नहीं सके। एक दुप्पल T20 का एक फास्ट बॉलर है जिसको शुरू के ओवर में विकेट मिल जाए तो वो कामयाब रहता है, वरना उसको इतनी कुट लगती है कि सेमीफाइनल भी उसके हाथ से निकल जाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मेहमान बने, और नसीम शाह को भी कुछ दिन पहले पहाड़ों की सैर करते हुए देखा जा रहा था। नसीम शाह साहब जो टेस्ट के अंदर उनसे विकेट ही नहीं निकल रही थी, दो खिलाड़ी आउट करके वो बहुत बड़ा, दो तीन खिलाड़ी उन्होंने आउट किए थे, बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब आइए ज़रा आपके किंग, जो घंटे के किंग हैं, आज तक कभी किसी ने कोई ऐसा सोचा है कि मुझे ये बता दे कि आप ये सोचो इंडिया वाले मैच के अलावा 152 उसको बांध के रख लो अपने तावीज़ के साथ और उसको पेलते रहो, उसके अंदर पानी पीते रहो, इसके अलावा और कोई कारकर्दगी है आपकी? ज़रा बताओ मुझे कि आप ये कह सको कि बाबर आजम ने यार आज मैच जितवा दिया, तने तनहा मैच जितवा दिया। धोनी और कोहली की लाखों मिसालें ऐसे मौजूद हैं। ये घंटे का किंग जो है, जो अपने आप को किंग कहलवाना पसंद करता है, हसरा होता है, और जो जो चूड़े चमार बैठे हुए होते हैं टेस्ट मैच देखने के लिए आए हुए, जब ये बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहा होता है, वो चूड़े चमार भी जो हैं वो भी जाहिल हैं, वो लोग भी, और जो जिसके लिए नारे लगा रहे हैं उससे बड़ा जाहिल है, सारे एक दूसरे को जो है वो हंस रहे हैं। दो टके की इनकी परफॉर्मेंस रही है। क्या करते हुए पाए गए? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, दुनिया की कोई भी लीग हो उसमें आपको ये खेलते हुए नजर आएंगे। लीग वाले भी एक नंबर के जाहिल लोग हैं, पता नहीं क्यों इन लोगों को ले लेते हैं। कोई ऐसी वजूहात हो जिसकी वजह से आप बताएं कि आपने बाबर आजम को सेलेक्ट किया है, क्या वजूहात हैं? इनकी फिटनेस लेवल का यही दारोमदार है कि सिर्फ 20 ओवर्स की क्रिकेट में उनकी बॉडी उन्हें इजाज़त देती है, जिसका सबूत रिजवान का विकेट कीपिंग के दौरान एक नंबर का ड्रामेबाज है। विकेट कीपिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा हो, इसके क्रैम्प पड़ने लगते हैं, ये वैसे भी एक्सेप्ट कर चुका है एक नंबर का झूठा आदमी है, ड्रामेबाज है, अटेंशन सीकर है, कैमरा अपनी तरफ लाने के लिए, और अपने आप को जो है वो टांग लेकर नीचे गिर जाएगा। सारी टीम, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि इससे बड़ा कोई ड्रामेबाज नहीं है, और लोग जाके जो है टीम के खिलाड़ी जो हैं वो जाके एम्पायर को बताते हैं कि ये एक नंबर का चीटर आदमी है, ये ड्रामेबाजियां कर रहा है वक्त गुजारने के लिए। इसकी फिटनेस का लेवल का अंदाज़ा लगाएं कि विकेट कीपिंग इससे नहीं हो रही, और आप लोग जो है समझते हैं कि सरफराज को बाहर करके इस जाहिल आदमी को टीम के अंदर रखो। इसने 171 रन बनाए, लाना थे ऐसे 171 रन के ऊपर, उसने 50 जो बनाए हैं उस वक्त रुकना चाहिए था, उस वक्त उसको, अगर वो उस वक्त थोड़ी देर रुक जाता मैच बचा लेता, आज मैं उसको सलाम करता हुआ नजर आता। हमेशा इसने यही किया है जब इसकी टीम को ज़रूरत होती है। 170 रन जब तुमने बनाए कोई ज़रूरत नहीं थी, नहीं बनाते कोई मसला नहीं था, पाकिस्तानी टीम दूसरी हिकमत अमली के साथ आती, लेकिन हमारा घंटे का कप्तान जो है वो भी एक नंबर का चेन बंदा है। मैं चे इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो वाला मशवरा देते हुए नजर आते हैं कि फीमेल भी वाली वीडियोस देखती हैं तो अच्छा नहीं लगता, इंजर्ड होते रहते हैं हर वक्त, और मोहम्मद रिजवान बार बार इंजर्ड होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कोई अंपायर जो है इसको कोई ना कोई पाबंदी लगा देगा। बाबर आजम बेशक, इससे पहले मैं आपको सो कॉल्ड लगा दूँ, बाबर आजम बेशक पाकिस्तान के सबसे बड़े और अहम खिलाड़ी हैं सो कॉल्ड, लेकिन उनका स्टैमिना भी अब 40-50 बॉल्स के बाद जवाब दे जाता है। बाबर आजम दूसरी इनिंग के अंदर सेट हो गया था, उसके बावजूद भी वो आउट हो गया, और फील्डिंग में आसान तरीन उसने कैचेस छोड़े, जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये घंटे का किंग जो है क्या कर रहा था। वर्ल्ड कप के बाद आया और जिम के अंदर घुस गया, और एक कैमरामैन इसने हायर किया हुआ है, वो घंटे के किंग की वीडियो बना रहा होता है, और ये तैयारी कर रहे थे 2-3 महीने पहले सिर्फ दिखावे के लिए, 15-20 मिनट जिम के अंदर जाके पीसीबी के, और वहाँ पर ये वज़न उठा रहे थे और यूं कर रहे थे और तैयारी बता रहे थे कि मैं बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। पहली इनिंग में 0, दूसरी इनिंग के अंदर 22 रन, लाना था ऐसे किंग के ऊपर, जो इतनी ज़्यादा तैयारी करने के बावजूद भी अगर ये रिजल्ट दे तो ऐसे किंग के ऊपर लानत है, भाड़ में जाए ऐसा किंग,
नहीं ज़रूरत ऐसे किंग की जिसको पाकिस्तानी टीम के अंदर जब ज़रूरत हो साला जब ही आउट होकर चला जाए। हमारा कप्तान कौन सा एक नंबर का जो है वो किसी किस्म का कोई काम नहीं है, दोनों इनिंग के अंदर फेल हो गया और मुंह उठाकर जो है इंग्लिश बोलता हुआ बकवास करता हुआ नजर आता है कि पिच को सही रीड नहीं कर पाए। एक और नमूना बैठा हुआ है पाकिस्तानी टीम के अंदर जो हेड कोच के साथ नथी हुआ हुआ है, उसको मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं फिर वो वाला वर्ड नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि उससे बदतमीजी का वो होगा। वो जो है वो बकवास ही करता हुआ आता है नज़र आता है अज़र महमूद कि हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है। अबरार अहमद और साजिद खान तुम्हारे बाप साइड में बैठे हुए हैं और बोलता हुआ बकवास करता हुआ ये नज़र आता है, पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर रहता है ये, इसके कौन सा नशा करता है जिसको ये वाली बात नहीं पता कि अबरार अहमद और साजिद खान जो हैं वो 20 से ज़्यादा विकटें लेने की अहलियत रखते हैं लेकिन मीडिया के अंदर आकर और उससे बड़े चूतिया बैठे हुए होते हैं जो उसके सामने बैठे हुए होते हैं साफ़ी लोग, ये वाली बात बकवास, उनके मुंह के अंदर दही जमी भी होती है उनके मुंह से बकवास नहीं निकलती कि तुम कितने बड़े जाहिलाना बयान दे रहे हो यहाँ बैठ कर हमारे सामने। तुम्हारे पास तुमको ये नहीं पता कि इस वक्त जो है साजिद खान मौजूद है, नुमान अली मौजूद है, आपके पास जो है वो अबरार अहमद मौजूद है, कोई ये बात बोलने को तैयार नहीं है उसका मीडिया के सामने, तो सारे जाहिल सहाफ़ियों के सामने बैठकर जो है वो वाली बात कहता हुआ नज़र आता है और वो लोग उठ के चले जाते हैं। पत्नी कैसे जाहिल सहाफ़ी, या तो फिर ये भी उल्लू के पट्टे जो हैं पैसे खा रहे हैं और मुंह बंद करने के लिए जो है मुंह में दही जमाने के लिए जो है ये लोग बैठे हुए होते हैं। तो ये वाली सूरत हाल है, मीर हमज़ा और अबरार अहमद इन दोनों को टीम के अंदर होना चाहिए था, दोनों कराची के लड़के हैं, इन लोगों का सफाया करना है, इन लोगों ने अगर परफॉर्मेंस दे दी। अब आप तसव्वुर करें मीर हमज़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ खेलकर आया है 3 टेस्ट मैच की, उसके बाद उसका ड्रॉप करना बनता है। अब्बास मोहम्मद अब्बास जो पाकिस्तान का बॉलर है उसकी स्पीड के ऊपर करते हैं, उल्लू का पट्टा शाहिन शाह अफरीदी कौन सी स्पीड के साथ बॉलिंग कर रहा है, कौन सा नसीम शाह जो है शुएब अख्तर बना हुआ है, 135 से ज़्यादा इन सालों की स्पीड नहीं आती, 130 से ज़्यादा ये लोग स्पीड नहीं मार पाते। फिर ये लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर नहीं है, मोहम्मद अब्बास विकटे ले रहा था, अच्छे 25 मैचों के अंदर 90 विकटे ले चुका है, बाहर कर दिया। मीर हमज़ा बेहतरीन टूर के बाद बाहर पाकिस्तान आया, ऑस्ट्रेलिया का टाइट वाला टूर उसने किया जिस तरह बोल्ड किया था उसने बड़े बड़े खिलाड़ियों को, उसके बाद उसका ड्रॉप बनता ही नहीं था। लेकिन इन जाहिलों को कोई बताए कि इसकी ड्रॉप नहीं बनती थी, लेकिन वही अज़र महमूद उल्लू का पट्टा बैठा हुआ बकवास करता हुआ आता है कि ये जो है ये बंदा सेलेक्ट नहीं हो सकता। पता नहीं कौन से जाहिल सेलेक्टर्स टीम के अंदर रखे हुए हैं जिनको मीर हमज़ा और अबरार अहमद नज़र नहीं आते। मोहम्मद अली ने भी कोई इम्प्रेस नहीं किया है, वो भी मुझे लगता है T20 का बॉलर है, उसकी भी कोई ख़ास मुझे कोई काट नज़र नहीं आई, लेकिन पिच के ऊपर बिहेव के ऊपर मैं ज़्यादा रहूँगा कि मोहम्मद अली की जगह बनती नहीं थी, इसलिए उसको बेचारे को अभी नया नया आया है, ना वो कुछ कर चुका है ना उसने कोई कारकर्दगी दिखाई है, बिला वजह उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाया। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है ये मैच हारी है। और सलमान बट जो आखिर में कहते हुए नज़र आते हैं, उन्होंने कहा है कि जब टीम के अंदर बहुत ज़्यादा कप्तान होंगे, कप्तानी के उम्मीदवार होंगे, शाहिन शाह अफरीदी कप्तान बनना चाहता है, बाबर आजम दोबारा कप्तानी अपनी हासिल करना चाहता है टेस्ट मैच की, मोहम्मद रिजवान एक नंबर का साजिशी आदमी, ये सबको लड़वा रहा है, ये एक नंबर का टोपी आदमी है और इसने शाहिन शाह अफरीदी और बाबर आजम की जो फड्डे करवाए हैं टीम के अंदर जो कुछ भी किया है, ये ऐसा बंदा है कोई भी जो है इसको इसके आगे पीछे नहीं आ सकता, इतना बड़ा साजिशी और सियासी आदमी है। इन तीनों ने मिलकर, मेरा अफसोस का मकाम इस वजह से है, लानत में इन लोगों को इसलिए देता हूँ, तुम तीनों कुत्ते टीम के अंदर मौजूद थे, उल्लू के पट्टों ने इनके बावजूद भी जो है पाकिस्तानी टीम कुत्तों वाली हार हारी है, 10 विकटों वाली लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर आई है, अमेरिका से तुम लोगों बेइज्जत हुए, अब कोई भी ऐसा कोई रह नहीं गया, कोई ऐसी कालक रह नहीं गई तुम्हारे मुंह के ऊपर जिसकी वजह से, और सबसे बड़े हरामी जिम्मेदार जो हैं वो सेलेक्टर्स हैं जो शाहिन शाह अफरीदी को, रिजवान को, और सर्जरी वाले लोग जो है ना जो बकवास करते थे कि सर्जरी होगी, ये होगा वो होगा, पूरी टीम वही खिलाई हुई है, 2% की कारकर्दगी दिखा रहे हैं तीनों को बाहर करके, अगर नए खिलाड़ियों को भी रखें तो कुछ दिनों के बाद वो सीखने के बाद जो है वो आपको पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व करते हुए नजर आएंगे। इन तमाम तर बातों से आपकी सब तक मुतमईन है, और कोई चीज़ अगर आप ऐड करना चाहते हैं ज़रूर ऐड कीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं, लोग कहते हैं हवा में कहता बातें करता है, कुछ भी नहीं पता होता इसको, आज ज़रा सा कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ, कौन क्या करता हुआ पाया गया था और किसने कितनी तैयारी की थी, सब सामने आ गया, कुत्तों वाली हार सामने आ गई, उसके बावजूद भी अब जो है वाइट वॉश का ख़तरा तुम्हारे सर के ऊपर मंडला रहा है, और ये कुत्ते जो हैं ये जाहिल लोग जो हैं ये पर्ची लोग जो हैं सिफारशी लोग जो हैं ये भी करवा के दिखा देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर आपको इस बात के ऊपर यकीन है तो कमेंट कीजिए। आइए इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो भी मैंने आज बात की है इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, खुलकर बात कीजिए और बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।